मुख्य फायर ऑफिसर मुकेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि मेडिकल के MD MS में प्रवेश लेने वाले नवागत छात्र छात्राओं के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अग्नि से बचाव के लिए न केवल डेमो दिया बल्कि तमाम टिप्स भी दिए। इससे पूर्व CFO मुकेश कुमार का मेडिकल कॉलेज के एडिशनल डीन एकेडमिक्स और ऑर्थोपेडिक विभाग के प्रोफेसर HOD डॉक्टर नजमुल हुदा, मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर HOD और डिप्टी मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर VK सिंह, फार्माकोलॉजी विभाग के HOD प्रोफेसर प्रीत पॉल, S. मटरेजन ने बुके कर गर्म जोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने व्याख्यान से पहले तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी का भ्रमण करके फायर सेफ्टी के तमाम बंदोबस्त देखे। उल्लेखनीय है कि TMMCNRC का ओरिएंटेशन प्रोग्राम 30 जुलाई तक चलेगा। इस प्रोग्राम का श्री गणेश 15 जुलाई को हुआ। CFO ने ए श्रेणी में सॉलिड से आग, बी श्रेणी में लिक्विड से आग और सी श्रेणी में गैस से आग, डी श्रेणी में एरोगेनिक मेटल से आग, ई श्रेणी में इलेक्ट्रिक से आग लगने के कारण बताते हुए इनसे निपटने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी को लेकर समय समय पर ऐसी वर्कशॉप होती रहना चाहिए। अंत में उन्होंने तीर्थांकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की फैकल्टीज और छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर डॉक्टर एस दत्ता, डॉक्टर सीमा अवस्थी, डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर जय बल्लभ कुमार, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर रोहित वार्ष्णेय, डॉक्टर फैयाज अहमद आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम में MD MS के 100 छात्र छात्राओं ने शिरकत की। संचालन कनिका गर्ग और इना गर्ग ने किया। अंत में मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर कुलाधिपति सुरेश जैन, मुख्य OSD कमल शर्मा भी मौजूद रहे। कि अभी तक लोगों के मन में यह है कि फायर डिपार्टमेंट मींस फायर एक्सटिंग्विशर्स। जिस प्रकार से कोई डॉक्टर एक ऑपरेशन करने से पहले विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर से गुजरता है, शायद मुझको ज्यादा नॉलेज नहीं मेडिकल के बारे में, तो उसको प्री ऑपरेशन टेस्ट कराने होते हैं एंड अदर्स कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है वो करानी पड़ती है, तभी वो ऑपरेशन की डेट देता है। फिर लिखा हुआ है ABC। ABC मींस ऑल टाइप ऑफ, जितनी भी फायर है आप उसको इसका प्रयोग करके बुझा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसका सेफ्टी अलग है। तो सीट ऑफ फायर है, जहां पर पॉइंट है, जहां पर फायर निकल रही है, इस जो डिस्चार्ज नोजल है उसको उस दिशा में रखेंगे। और जो ये हमारा लीवर है, जैसे बाइक हम चलाते हैं, एक्सीलेटर देते हैं या क्लच दबाते हैं, इस प्रकार से हमको इसको प्रेस करना होता है। इसके अंदर से पाउडर निकलता है और पाउडर क्या करता है, स्मदरिंग मेथड से आग को बुझाएगा, उसके चारों तरफ लेयर बना देगा, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उसको कट कर देगा और आग कंट्रोल हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते हैं, अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई पेट्रोल डाला, किसने सुसाइड किया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको नीचे गिरा दें और उसको क्रॉलिंग करा दें। अगर ये नहीं करा सकते, नीचे गिरा के उसको किसी लिहाज से या कंबल से ढक दें, विद इन चंद मिनट में ही वो आग बुझ जाएगी। हम क्या करते हैं, कभी कभी किसके ऊपर पानी की बाल्टी डालते हैं, तो हम जब पानी डालेंगे तो इधर से हम पानी डाल लें, इधर से ऑक्सीजन उसको लगातार मिलेगी। उसको नीचे गिराने के बाद अगर किसी कंबल से या लिहाज से अगर ढक देंगे, विद इन सम सेकंड्स हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। कोई और कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? इसके अंदर जो गैस है वो CO2 गैस है, तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये इतनी एनर्जी लेगा, ये बर्फ बन जाएगा। तो इतनी प्रेशर से इसका जो वेलोसिटी है उसको कम करने के लिए इसका वॉल्यूम यहां से बढ़ा दिया।